हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज पल्सर 125 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दी जाए। और अगर आपको ये जानना है कि ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, और अगर आपको सबसे पहले जाननी है कि ये बाइक कब लॉन्च हो रही है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो कंफर्म हो चुका है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको पल्सर 125 इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनली मार्केट में ये बाइक सेल होती है पल्सर NS 125 के नाम से, और पहले इंडिया में भी यही नाम से ये बाइक लॉन्च होने वाली थी, लेकिन अब इंडिया में ये बाइक लॉन्च होगी पल्सर 125 के नाम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये बाइक में आपको कैसा डिज़ाइन मिलेगा, क्या इसकी प्राइसिंग होगी, और ये बाइक आखिर लॉन्च क्यों हो रही है। तो दोस्तों, कंपनी इसमें आपको पल्सर 150 वाली डिज़ाइन देगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको पल्सर 150 वाली डिज़ाइन मिलेगी पल्सर 125 में। कंपनी का यहाँ पे ये कहना है कि पल्सर 150 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, तो अगर वही बाइक अगर आपको कम प्राइस में मिले, कम डिस्प्लेसमेंट के साथ मिले, तो पल्सर 125 काफ़ी ज़्यादा हिट रहेगी 125 सीसी सेगमेंट में। इसीलिए बजाज कंपनी पल्सर 150 की ही डिज़ाइन पल्सर 125 में देगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये पल्सर 125 आखिर लॉन्च क्यों हो रही है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जानते हैं कि पल्सर सीरीज़ में अभी जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक है वो है बजाज की पल्सर 150, लेकिन पिछले साल यानी 2018 में इस जगह पे थी बजाज की पल्सर LS 135। तो LS 135 को पिछले साल 2018 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और LS 135 सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पल्सर थी, और जिन लोगों का बजट पल्सर 150 तक नहीं जा पाता था वो पल्सर LS 135 को ले लेते थे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि पल्सर LS 135 को क्यों डिसकंटिन्यू किया गया, फिर उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि 125 को क्यों लॉन्च किया जा रहा है। तो दोस्तों, पल्सर LS 125 जैसा मैंने आपको बताया, ये चीपेस्ट पल्सर बाइक थी, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि 2019 में अप्रैल 1 के बाद से जितने भी 125 सीसी की बाइक थी उनमें कंपनी को मैंडेटरी हो गया था कि उनमें ABS लगा के ही सेल करना है। तो पल्सर LS 125 जैसा कि आपको पता है कि ये 125 सीसी से ऊपर की बाइक थी, तो कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि अगर ये बाइक अभी भी सेल पर रहती तो कंपनी को इसमें ABS लगा के सेल करना पड़ता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगल चैनल ABS ही सिर्फ लगाने से बाइक की जो प्राइस है वो 9 to 10,000 रुपीज़ बढ़ जाती है, तो उसके बाद ये जो बाइक थी वो अफोर्डेबल नहीं रहती, और उसके बाद इस बाइक की जो प्राइस रहती वो पल्सर 150 तक पहुंच जाती, और ये बाइक उतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं रहती उन कस्टमर्स के लिए जो पल्सर बाइक चाहते थे एक लो बजट में। तो कंपनी ने सोचा कि इस बाइक को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू ही कर दिया जाए, अगर ये बाइक रहेगी तो इसमें ABS लगा के देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी ने सोचा कि एक 125 सीसी की पल्सर बाइक लॉन्च की जाए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 125 सीसी या उससे नीचे की जो डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक है उसमें कंपनी को मैंडेटरी नहीं है ABS लगा के देना, उसमें कंपनी को मैंडेटरी है CBS लगा के देना, यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा कि आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि जितने भी 100 से 125 सीसी की बाइक्स आ रही है उनमें आपको एक CBS वेरिएंट भी मिलता है। तो तभी से कंपनी ने सोचा कि बजाज पल्सर NS 125 को लॉन्च किया जाए, और ये बाइक जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया, अब ये बाइक आ रही है पल्सर 125 के नाम से। तो दोस्तों, इस वजह से पल्सर 125 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बाइक में आपको पल्सर 150 के डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो आपके क्या ओपिनियन है कि कंपनी ये चीज़ सही कर रही है कि 150 सीसी बाइक के डिज़ाइन आपको 125 सीसी की बाइक में दे रही है? तो अपने ओपिनियन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये बाइक में आपको 150 सीसी पल्सर जो आती है उसकी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, यानी इसमें आपको सिंगल पीस सीट मिलेगा, ड्रम ब्रेक मिलेगा रियर में, और कोई भी फ्यूल टैंक की एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये बाइक में आपको डिस्कवर 125 से ज़्यादा पावर मिलेगा और पल्सर 150 से कम पावर मिलेगा। डिस्कवर 125 में 11 bhp का पावर मिलता है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पल्सर 150 में 14.1 bhp का पावर है और 13.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो इस बाइक में आपको 124 cc का 4-valve एयर कूल्ड इंजन मिलेगा जो 5-speed गियरबॉक्स के साथ आएगा, और पल्सर 125 में आपको 13.05 bhp की पावर मिल जाएगी 9000 rpm पे, और इस बाइक में आपको 11.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 7500 rpm पे। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि ये बाइक ABS के साथ आएगी नहीं, ये बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी, यानी CBS इसमें आपको मिलेगी। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जो कि हल्का फुल्का डिस्कवर 125 जैसा आपको देखने को लगेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको टैकोमीटर मिलेगा जो एनालॉग रहेगा, सिंगल ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो अभी पूरी स्पेसिफिकेशंस है वो आउट हुई नहीं है, तो जैसे ही
तो दोस्तों इस बाइक की अभी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आई नहीं है, जैसे ही कंपनी इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिलीज़ करती है मैं इस पर एक और सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको सभी डिटेल इस बाइक के बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ कि मैं इस बाइक के बारे में क्या सोचता हूँ पल्सर 125 के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही है लोअर बजट में, वो भी पल्सर सीरीज़ की बाइक, लेकिन कंपनी यहाँ पे एक चीज़ बहुत गलत कर रही है, वो है पल्सर 150 की ही डिज़ाइन आपको पल्सर 125 में दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पल्सर 150 सबसे ज़्यादा सेल होती है पल्सर सीरीज़ में, और पल्सर सीरीज़ में पल्सर 150 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो अगर आपको वही सब चीज़ एक लोअर डिस्प्लेसमेंट की बाइक में मिल जाएगी तो पल्सर 150 की सेल्स इफेक्ट पे ज़रूर असर पड़ेगा, और पल्सर 150 के जो कस्टमर है वो हो सकता है कि पल्सर 125 पे ही स्टक कर जाए। और दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं पल्सर 150 पे फिलहाल तीन पहले ही से ही वेरिएंट सेल पे हैं, पल्सर 150 नियॉन, पल्सर 150 स्टैंडर्ड और पल्सर 150 ट्विन डिस्क। तो अगर इतने सारे वेरिएंट्स पहले से हैं उसमें एक सेम डिज़ाइन की और बाइक आ जाएगी, भले लोअर डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी, तो बाइक को सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा कि कौन 125 सीसी की बाइक है कौन 150 सीसी की बाइक है। तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा इंटरनेशनल मार्केट में पल्सर NS 125 सेल होती है वही चीज़ को पल्सर NS 125 को इंडिया में भी लाना चाहिए था। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कंपनी पल्सर 150 की पॉपुलैरिटी को देख के वही सब चीज़ पल्सर 125 में दे रही है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बजाज के पास एक 125 सीसी बाइक और भी है जिसका नाम है डिस्कवर 125, जिसकी सेल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो अगर पल्सर 125 की सेल अच्छी हुई तो डिस्कवर 125 का तो डिसकंटिन्यू होना पक्का है, क्योंकि इसकी जैसा मैंने आपको बताया दिया कि डिस्कवर 125 की सेल्स काफ़ी ज़्यादा पुअर है, जिसके वजह से इस बाइक का बंद होने का चांसेस है अगर ये बाइक पल्सर 125 ज़्यादा हिट कर जाती है मार्केट में। तो दोस्तों आप लोग बजाज V15 के बारे में तो जानते ही होंगे कि जिसकी काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट आती थी टेलीविज़न पे, और बजाज इसकी कैंपेन पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से करता था। इस बाइक को कहा जाता था कि ये INS विक्रांत से इंस्पायर है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बजाज V15 अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। जी हाँ, इसकी प्रोडक्शन को अब बंद कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बजाज V15 लॉन्च हुई थी उसके थोड़े ही समय बाद बजाज की V12 को भी लॉन्च कर दिया गया था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजाज V15 150 सीसी की बाइक थी और बजाज V12 125 सीसी की बाइक थी। तो V15 के लॉन्च होने के बाद V12 को लॉन्च कर दिया जा चुका, तो कंपनी ने पहले V15 को उतनी अच्छे से सेल ही नहीं की और तुरंत V12 को लॉन्च कर दिया। तो कंपनी ने सोचा कि V15 तो बिक ही जाएगी तो V12 को भी लॉन्च कर देते हैं, यानी 125 सीसी की बाइक और 150 सीसी की बाइक दोनों ही बिक जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि ये दोनों ही बाइक फ्लॉप हो गई, और जिसके वजह से पहले बजाज को V12 को बंद करना पड़ा, फिर बाद में कंपनी ने V15 को बंद कर दिया, और V15 अभी एक महीने पहले ही जस्ट बंद हुई है। तो ये सब अपडेट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स आपको देता रहता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बजाज V15 और V12 का केस बताया कि V12 को लॉन्च करने के बाद V15 को भी बंद कर दिया गया और V12 तो बंद हो ही गई, तो ऐसा ना हो बजाज 150 के साथ, ऐसा बजाज 150 के कस्टमर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा ओपिनियन था कि बजाज को 125 NS जो बाहर आती है इंटरनेशनल मार्केट में, वही डिज़ाइन को इंडिया में भी लाना चाहिए था। तो दोस्तों अब हम लोग ज़्यादा प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते हैं, पहले एक बार ये बाइक लॉन्च हो जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिस्कवर 125 डिसकंटिन्यू होती है कि पल्सर 150 के सेल्स इफेक्ट्स में क्या असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे जब बजाज पल्सर 125 लॉन्च हो जाएगी। अब हम लोग लास्ट में इस बाइक की प्राइसिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग इस बाइक की प्राइसिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राइसिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा बजाज कॉम्पिटिटिव रखेगा, और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि बजाज की फ्लीट में पहले ही से एक 125 सीसी बाइक अवेलेबल है जिसका नाम है डिस्कवर 125। तो ये बाइक की जो प्राइस है वो डिस्कवर 125 से हल्की ज़्यादा रखी जाएगी, और बजाज पल्सर 150 का जो नियॉन वेरियंट है उससे ये बाइक की प्राइस हल्की कम रखी जाएगी। यानी आप बोल सकते हैं कि इस बाइक की जो प्राइस है वो इन दोनों बाइक की मिडिल में रखी जाएगी। तो डिस्कवर 125 एक शोरूम दिल्ली में मिलती है 61,700 रुपीज में, वहीं पल्सर की जो नियॉन वेरिएंट है वो एक शोरूम दिल्ली में मिलती है 69,250 रुपीज में। तो जहां तक चांसेस है कि पल्सर 125 की जो प्राइस है वो 62,000 से 65,000 रुपीज के बीच में रखी जा सकती है। तो दोस्तों ये प्राइसिंग में आपको पल्सर 125 मिल सकती है, ये अभी कंफर्म प्राइस नहीं है। जैसे ही इस बाइक लॉन्च हो जाती है वैसे ही मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट डिटेल और इस बाइक की प्राइसिंग भी इंक्लूड रहेगी। तो तब तक के लिए अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये बाइक कब लॉन्च हो रही है, ये बाइक कब लॉन्च होने वाली है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।